टैंकर माफिया का राज है। पीने के पानी के रेट दुगने कर दिए गए और शहर में पीने के पानी की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं महर हमीद अनवर। कराची शहर कायद में टैंकर माफिया की मनमानियां जारी। पीने के पानी के रेट में 50 गुना तक इजाफा कर दिया गया। एक सर्वे के मुताबिक शहर कराची में पीने के पानी के 120 से ज्यादा हाइड्रेंट हैं, जो कि इंतजामिया की जानिब से बंद करा दिए गए हैं और सिर्फ 6 हाइड्रेंट पानी फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर भर में पानी की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर शहर की सड़कों पर चलने वाले पानी के 2000 से ज्यादा टैंकर खड़े कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से टैंकर मालकान और मजदूरों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। अरसा दराज से कराची के शहरियों से पानी की मद में करोड़ों रुपए महाना की में वसूल किए जाते हैं, लेकिन अभी वही रेट दुगने कर दिए गए हैं। फुल टैंकर 4000 तक पहुँच गया है, जबकि ऊपर की सतह पर रेट बढ़ने से गदा गाड़ी वालों ने भी पानी के रेटों में इजाफा कर दिया है। अगर इंतजामिया ने इस मसले पर फौरी तवज्जो ना दी तो अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। टैंकर वालों को हमने बोला था 24 घंटे के बाद वो टैंकर लाते हैं और कहते हैं कि 4000 से कम नहीं दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये जो है पानी इधर ज्यादा सप्लाई करे। गरीब लोग पानी सस्ता हुए लेकिन पानी सस्ता नहीं हो रहे। गरीब आदमी जो है एक एक रुपया जोड़ते हैं, वहाँ पर अपना जो पानी भी लेकर आते तो वो भी मिलावट है। टैंकर लेते हैं, पहले मिलता था 1200 का, अभी 1400 का मिलता है। पानी नहीं है, मिरानटांज कोई लाइन बहन नहीं है। ये हुकूमत का सुरवार है इसकी। 3 दिन 4 दिन कभी कभी हमें पानी ही नहीं मिलता। एक डब्बा पानी हम 40 का खरीदते, कभी कभी हमें 60-70 का भी नहीं मिलता। 3 दिन तक पानी हमें तरसना पड़ता है पानी के लिए। कराची में पीने के पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इकदामात ना किए गए तो कराची के शहरी सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। महर हमीद अनवर, दिन न्यूज़, कराची।